रोड बनानी हो, घर बनाना हो या कोई इमारत खड़ी करनी हो, उसमें बालू की जरूरत पड़ती ही है। निचितपुर गांव एवं तोरपा प्रखंड के 6 बालू घाटों से प्रतिदिन लाखों रुपए मूल्य का बालू विभिन्न ट्रक डंपरों में लोड कर रांची भेज दिया जाता है, मगर गांव वालों को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। आप जब बालू घाट के संबंध में डीसी के पास गए तो उन्होंने क्या कहा? तो डीसी कहता है बालू घाट के विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने बोला कि बालू घाट से 150-200 लेबर रोजी रोटी करता था, वो लोग चलन का इंतजाम व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग कहीं पलायन करेंगे। इस तरह की बात को बताने पर डीसी कहता है कि जाने दो, खूंटी जिला में कोई गरीब नहीं है। हमारे गांव के लोग भूखे प्यासे मरते हैं और रांची महानगरों में रहने वाले लोग हमारे यहां से बालू ले जाके लाखों रुपए में बेचते हैं, जबकि हम ग्राम सभा बालू का मालिक है और हमें उसका एक भी मूल्य नहीं मिलता है। और खूंटी जिला के उपायुक्त हैं, वो भी इस पर कोई विशेष पहल नहीं कर रहे हैं। दिन भर चिमना गाड़ी फरी था पे फिर जगह 10 किलो और चिमना हो बाबा दिन भर हो बहुत बहुत ने कारो नदी कुलडा घाट से हर साल लगभग बालू का उठाव 15 लाख तक का होता है। अगर हम लोग का ही 15 लाख अगर हम लोग का ग्राम पंचायत के हाथ में आ जाए तो उसके सहारे से ग्राम सभा ग्रामीण का विकास बहुत कुछ कर सकेंगे। सरकार की ये ऐसी नीति है जिसके कारण हमें भीख मांगना पड़ रहा है। हम यहाँ के राजा हैं, ग्राम सभा सारे गौन खनिज की मालिक है। हम चाहते हैं ग्राम सभा की सरकार ये बालू घाट को चलाने के लिए जल्द से जल्द चलान का इंतजाम करे, व्यवस्था करे। मैं आप तमाम वीडियो देखने वालों से यह अपील करता हूँ कि आप नीचे लिखे नंबर में कॉल कर खूंटी जिला के उपायुक्त एवं सहायक खनन पदाधिकारी को दबाव दें, जिससे वे जल्द से जल्द हमें बालू के परिचालन के लिए फॉर्म डी उपलब्ध करा दें, जिससे हमारा आर्थिक विकास हो सके एवं कानून का पालन करने में हमारा सहयोग करें। मैं हूं अमित टोपनो, खूंटी जिला से, इंडिया अनहर्ड के लिए।